A very good morning, students. How are you doing? I hope you are doing great. Today I am going to explain you tenth chapter of your English channel book, class third. Name of the chapter is Turtle Tales. Turtle, you know, turtle is a tortoise. So, kachwiki ki kahania". So, tortoise ki kahania". Let us read what is there in this chapter. Imagine that one question is that for you. इमेजन डैट यू हैव गॉन फॉर ए पिकनिक टिक दी थिंग डैट यू शुड डू क्रॉस द थिंग्स डैट यू शुड नाट तो बेटा देखो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं जैसे हमें क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए तो हमें डस्टबिन में कूड़ा डालना चाहिए एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए है ना ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप पिकनिक पर जाते हो क्योंकि जब आप कूड़ा फैलाते हो वहाँ पे कुछ भी पॉली बैग वगैरह जो भी होते हैं प्लास्टिक कैंस वगैरह वहाँ पे इधर उधर डाल देते थे तो उससे एनिमल्स को कितनी परेशानी होती है तो इस स्टोरी में यही सब बताया गया है अस रीड द स्टोरी दिस स्टोरी इज़ अबाउट लिटल टीना हर ब्रदर्स श्रे एंड जोली एंड द टर्टल बेबीज़ तो ये कहानी किसके बारे में है ये कहानी है लिटिल छोटी टीना के बारे में है उसके भाइयों के के बारे में है जिनका नाम है श्रे एंड जोली और छोटे छोटे टटल बेबीज़ के बारे में है टीना एंड हर फैमिली हैड कम टू लिव इन भुवनेश्वर फॉर टू इयर्स। अब टीना और उसकी फैमिली भुवनेश्वर आए थे दो साल के लिए वहाँ रहने के लिए दे न्यू डेट ओलाइव रिडी टर्टल लेट देयर एग्स ऑन द बीच क्लोज टू द होम और उन्हें पता चला कि जो ओलाइव रिडी टर्टल्स हैं उन्होंने अपने अंडे दिए हैं बीच पर जो कि उनके घर के पास ही था टीनाज़ फादर है टोल्ड द चिल्ड्रन डेड इट वाज टाइम फॉर द एग्स टू हैच और टीना के फादर ने उनको बताया कि अब अंडे में से जो बेबी निकलने का टाइम आ गया है ये टाइम आ गया है द चिल्ड्रन मेड डे प्लान टू सी द बेबी टर्टल्स हैच और बच्चों ने प्लान बनाया कि वो बेबी टर्टल को हैच होते हुए देखेंगे मतलब बच्चे उसमें से अंडे में से निकलते हुए देखेंगे नाउ लेटस रीड वोट हैपन नेक्स्ट अब क्या हुआ वो सब पढ़ते हैं इट वॉज स्टिल डार्क वेन दे वो कप वन कूड ओनली हीयर देवस इन द डिस्टेंस अब देखो ये अभी भी बहुत रात का टाइम था जब वो जग गए थे और वहाँ पर बस केवल वेव्स को की आवाज़ें दूर से सुनाई दे रही थी टीना एंड हर ब्रदर वर क्वाइटली गेटिंग रेडी टू लीव फॉर द बीच और टीना और उसके ब्रदर्स ना चुपचाप रेडी हो रहे थे बीच पर जाने के लिए कम टीना लेटेस्ट गो हैव यू गोट योर टॉर्च और देखो आवाज़ लगाई किसी ने मतलब उसके ब्रदर्स ने ही लगाई होगी कि टीना आ जाओ चलो चलते हैं क्या तुमने अपनी टॉर्च ले ली है यस श्रे हेयर इट इज और वो बोलती है कि हाँ ये श्रे ये देखो ये रही टीना सेड शी वाज वेरी एक्साइटेड और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी खुश थी द चिल्ड्रेन गोट ऑन टू देयर बाइसिकल्स एंड रोड डाउन टू द बीच और बच्चे अपनी अपनी बाइसिकल्स पे चढ़ गए और बीच की तरफ चल पड़े दे लुकड फॉर द ने इन द लाइट ऑफ देयर टॉर्चेज और फिर उन्होंने अपने टोर्च की रोशनी में उन्होंने नेस्ट को तलाशना शुरू कर दिया मतलब नेस्ट मीन्स घोंसला है ना जहाँ पे टर्टल्स अंडे देते हैं रहते हैं मामा टर्टल वाज मेकिंग हर नेस्ट देयर श्रेय विस्पर्ड और श्रेय दबी आवाज़ में बोला विस्पर्ड मीन्स स्पीक इन अ लो वॉइस तो धीरे से आवाज़ में बोला मामा टर्टल वहाँ पे अपना नेस्ट बना रही है अपना घोंसला बना रही है पॉइंटिंग टू ए माउंट मौ, ऑफ सेंड मतलब एक सैंड का जो रेत का टीला था उसकी तरफ इशारा करते हुए श्रे ने दबी आवाज़ में बोला आई हैड पुट फोर स्टिक्स नियर द नेस्ट टू मार्क द स्पॉट और उसने बोला कि मैंने उस स्पॉट को उस जगह को का ध्यान रखने के लिए वहाँ पे चार स्टिक्स लगा दी हैं चार डंडियाँ लगा दी हैं छोटी छोटी लेटस्ट गो एंड सी इफ इट इज़ देयर चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये वहाँ पर है द चिल्ड्रेन पार्क देर बाइस्कल्स नियर ए ट्री एंड वॉक डाउन टू द स्पॉट वेयर श्रे हैड पुट द स्टिक्स और बच्चे बच्चों ने अपनी बाइस्कल एक पेड़ के पास पार की और उस जगह की तरफ चले जहाँ श्रे ने वो छोटी छोटी डड्डिया लगा लगाई थी छोटी छोटी स्टिक्स वहाँ पर लगाई थी मार्क करने के लिए स्पॉट को विल मामा टटल द बी देयर टीना आस्ट सॉफ्टली और टीना ने धीरे से पूछा पोलाइटली कि क्या मामा टटल वहाँ पे होगी no, नो मामा टटल विल नॉट बी देयर और श्रेय ने क्या उत्तर दिया कि मामा टटल वहाँ पे नहीं होगी शी लेज हर एक्स एंड कवर्स देम विद सेंड वो अपने अंडे देती है और उनको सेंड से कवर कर देती है सेंड मीन्स रेत होता है ना मिट्टी मिट्टी से उसको कवर कर देती है देन शी गोज अवे और तब वो चली जाती है एंड डजेंट कम बैक और वापस नहीं आती है आंसर श्रे श्रे ने आंसर दिया दे फाउंड द नेस्ट एंड वेटेड डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट और उन्हें नेस्ट का पता लगा लिया और वहाँ पे दूर खड़े होके कुछ देर के लिए वेट किया एंड देन वन बेबी टैटल पुस्ट इट्सल्फ आउट ऑफ द सेंट और तभी एक बेबी टर्टल सेंट से बाहर निकला इट वॉज़ सो टाइनी ये कितना छोटा है ओ माय इट इज ओनली एज बी गैज माई थम्प टीना सेड एक्साइटली और टीना ने खुशी से बोला अरे ये तो मेरी थम्ब के जितना बड़ा है मोर एंड मोर बेबी टटल्स केम आउट ऑफ द सेंट और सेंट से और और बेबी टटल्स बहुत सारे बेबी टटल बाहर आए दे रैन टूवर्ड्स द वॉटर और वो पानी की तरफ दौड़े बट वन बेबी टेटल गोड स्टक इन ए प्लास्टिक पॉकेट ऑन द बीच लेकिन क्या हुआ एक बेबी टैटल है वो एक प्लास्टिक पैकेट में जो बीच पर पड़ा हुआ था उसमें स्टक हो गया मतलब उसमें फंस गया यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर हेयर ही हेयर स्टक इन द इन दिस पॉली बैग दे टू टीना जेंटली पुल्ड अवे द पैकेट एंड फ्रीड द बेबी टैटल और टीना ने आराम से जेंटली मीन्स आराम से धीरे धीरे पोलाइटली सॉफ्टली उसने उसको पैकेट को हटाया खींचा और बेबी टटल को फ्री कर दिया देन जोली नोटिस डेट देर वर मोर प्लास्टिक पैकेट्स एंड बोटल्स ऑन द बीच और फिर जोली ने नोटिस किया जोली ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे प्लास्टिक पैकेट्स और बोटल्स पड़े हुए हैं बीच पर हु इज जोली जोली इज द जोली इज टीनाज ब्रदर क्विक टीना श्रे लेटेस्ट कलेक्ट ऑल द प्लास्टिक और श्रेय ने बोला जल्दी करो टीना चलो सारे प्लास्टिक कलेक्ट कर लेते हैं इकट्ठे कर लेते हैं द बेबी टर्टल्स माइट गेट स्टक इन द पैकेट्स ही सैड और उसने कहा कि ये बेबी टर्टल्स हैं शायद यहाँ इस पैकेट्स में फंस जाएं दे हरेडली कलेक्ट द कलेक्टेड द प्लास्टिक बोटल्स एंड पॉकेट्स पैकेट्स इन टू ए पाइल फॉर अवे फार अवे फ्रॉम द टर्टल्स पास और उन्होंने जल्दी से प्लास्टिक बोतल को कलेक्ट किया हरिडली मीन्स क्विकली जल्दी से उन्होंने उन्हें कलेक्ट किया प्लास्टिक बोटल्स को और पैकेट्स को और एक ढेर में डाल दिया दूर जो कि टटल के पास से दूर था मतलब टटल के रास्ते में नहीं आएगा आप देख सकते हो कितने सारे बेबी टटल्स हैं यहाँ पे तो बेटा इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है क्या मॉरल मिलता है कि वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज हेर एंड देयर स्पेशली एट द पिकनिक स्पॉट तो वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको हार्म हो सकता है अगर आप नदी में पानी में डालते हो तो भी वहाँ पे उनको फिश को और जो भी वाटर एनिमल्स हैं उनको नुकसान पहुँचता है इसलिए हमें कभी भी गार्बेज को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए आई होप यूर यू हैव अंडरस्टूड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो